जनता सवाल ने ये नहीं उठाया। है, सुनिए। 5 साल तक लगातार एक्शन होते रहे काले धन के खिलाफ। बाद में एक्शन की करता हूं, ये कानून बना, वो कानून बना, नोट बंद हो गए, ये हो गए, सब कुछ हो गया। जितनी संभावनाएं थी अर्थशास्त्रियों के नॉलेज में, जनता ने भी साथ दिया सरकार का। मुहिम अच्छी थी तभी तो सब लोग लाइन लगे थे। मेरे बिल्कुल कहने का मतलब, जब सब कुछ हो गया आपके हिसाब से या किसी के भी हिसाब से परफेक्ट था, तो उसके बाद फिर ये क्यों, ये रक्त बीज? तो रक्त बीज का समाधान आपके पास नहीं है क्या? सरकार के पास इतने छापे पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी मार रही है, मीडिया भी मार रही है, इतने रक्त बीज काले धन वाले कहां से पता? या तो आप ये बोलिए कि भाई वो सारे प्रोसीजर्स गलत थे, हमारी एनालिसिस गलत थी, हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर समस्या है, या तो बोलिए इनिफिशियंट हमारा सिस्टम था, हमारा डिसीजन, या बोलिए अभी का सिस्टम इनिफिशियंट है। ये तो 4-6-10 लोग आ जाते हैं भाई, मीडिया हाउसेस कितने हैं, 4-6-10 लोग आ जाते हैं। अगर आप सरकार का एक एक अधिकारी जो एक थाने में बैठता है, अगर वो देखिए जरूरत यहाँ पे किस एक्शन की है, मैं बीजेपी के मित्र को बताऊं, जरूरत यहाँ पे इस एक्शन की है कि हर पुलिस चौकी पे बैठा हुआ अधिकारी अपने कर्तव्य को, जैसे ये चैनल कर रहा है, जैसे आप कर रहे हैं और सारे प्रोफेशनल्स अपने कर्तव्य का कर रहे हैं, उतने माइक्रो लेवल पे करने की जरूरत है। केवल लाल किले से बोल देने से, टीवी पे बैठ के बोल देने से आपके कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती। सरकारी सिस्टम के मालिक आप हैं, और एक अंतिम आदमी भी जो जुड़ा है, अगर वो एक सिपाही है तो उसको भी अपने एरिया में ये देखना चाहिए कि ब्लैक मनी आ रही है नहीं आ रही है। सबको पता है, जीडीए के एक एक क्लर्क, डीडीए के या कहीं के भी एक एक क्लर्क को आपने बोला स्वता संज्ञा, तो सरकार के अधिकारी क्यों नहीं लेते? नोएडा के अधिकारी क्यों नहीं लेते? उनको भी तो बोलो कि स्वतः संज्ञान तो आप भी लो। लेते तो इतने बड़े बिल्डर स्वतः संज्ञान तो खत्म हो गया है। इसके पहले कौन जेल के अंदर थे? इतने बड़े बिल्डर जेल के अंदर ना बैठे होते? कितने बिल्डर बिठाए सर जेल में? जो आप बोल रहे इतने बड़े बिल्डर, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, 10-20-25-50-100-1500 बिल्डर जो भी जितने गए हैं मुझे पता नहीं है, जेल गए। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि जैसे अब काले धन और इन सब यानी भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो गई। मैं ये नहीं और बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा। अरे तो सर मानिए ना कि जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगा, देने वाला लेने वाला दोनों पे एक्शन होगा। इफ और बट है ही नहीं सर इसमें, इफ और बट जैसा कुछ नहीं है। आपने बोला है अरे नीति और नियत का कोई सवाल नहीं उठा रहा, नीति और नियत का कोई सवाल नहीं उठा रहा, नीति और नियत का कोई सवाल नहीं उठा रहा। आप नहीं उठा सकते सर, सरकार का काम केवल नीति और नियत नहीं है। आप उसकी नीति और नियत पे प्रश्न नहीं उठा सकते सर, सरकार का काम केवल नीति और नियत। जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट चल रही, आज कितने इंडियन सरकार की जिम्मेदारी। सरकार कानून के पहली बार हुआ है कि सरकार ने 56 एक्शन का एक्ट का उपयोग किया। कितने लोग चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकारों में, उनको जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है। अरे सर मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलता हूँ बहुत सख्त बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे नियम बदले गए हैं, पहले भी सरकारों में ऐसे होते थे। सवाल ये है ना, हम बात कर रहे हैं सिस्टम इफिशियंसी की। जब हम बात सिस्टम की करते हैं तो वहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक जो हमने बोला कि एक एरिया का जो एक इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो ऑफिसर होता है गवर्नमेंट सिस्टम में, जो सबसे लोअर लेवल पे होता है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया की स्वच्छता को, फाइनेंशियल हाइजीन को मेंटेन करे। ये इन लोगों का विजिट होना, बार बार जो है चेक करना, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारी की सारी रिपोर्टिंग जाती है, बैलेंस शीट वगैरह जाती है, उसको टैली करना। सवाल ये होता है कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि आपने जो कुछ दिया बस खत्म, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं। जहां पे भी डाउट हो सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट होता है वहां पे? इसी पॉइंट पर आएंगे, इसी पॉइंट पर आएंगे और इसी पर चर्चा हम करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2 लगातार करें। छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2 लगातार जारी है।
26 अगस्त 2019 को न्यूज वन अरिया ने काले धन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और बड़े बिल्डर्स खिलाड़ी जो हैं इनका बड़ा खुलासा हमने किया था और उसके बाद पूरी दुनिया ने इस खुलासे को देखा भी, कैसे अपने आलिशान दफ्तर के अंदर बैठकर देश के बड़े और ताकतवर बिल्डर्स कायदे कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं, सर्किल रेट से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार को चूना लगाने में जरा भी चूक नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक मनी के जरिए हवाला कारोबार में भी लिप्त हैं। मगर जब न्यूज वन इंडिया पर एक एक कर इन बिल्डर्स का काला सच सामने आया तो फिर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इस खुलासे को समर्थन मिलता चला गया। केंद्र और यूपी सरकार ने न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन ब्लैक मनी की सराहना भी की, यहां तक कि योगी सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को सौंप दी। लेकिन न्यूज वन इंडिया की मुहिम यही नहीं रुकी, क्योंकि हमने वादा किया है परत दर परत और भी उन बिल्डर्स और ब्रोकर्स की काली हकीकत को सामने लाने का जो चुपचाप सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं और ब्लैक मनी के ब्लैक गेम में संलिप्त है। तो आज बारी है ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट टू की, तो चलिए देखते रहिए और जानिए उन बिल्डर्स और ब्रोकर्स का सियासत जिनके ठेंगे पर है कानून, मन में कालाधन कमाने की भरपूर चाहत। करीना कपूर, इलियाना डिक्रूज, अजय देवगन, मलाइका अरोरा, परिणीति चोपड़ा, मोनी रॉय और सोशल मीडिया की सनसनी डब्बू अंकल, ये सभी किसी पहचान के मोहताज तो नहीं, लेकिन इन सभी सेलिब्रिटीज के साथ मौजूद इस शख्स की पहचान आपके लिए एक चुनौती है। विकास शर्मा, शायद पहली बार आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन बिल्डर्स और ब्रोकर्स लॉबी का ये जाना पहचाना चेहरा है जिसका तारुफ आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट टू के रडार पर आज यही शख्स पहले नंबर पर है। विकास शर्मा, सीएमडी बिलेनियर बक्स ब्रोकर कंपनी का मालिक, देश के बड़े ब्रोकर्स में से एक बिलेनियर बक्स के मालिक विकास शर्मा के जन्मदिन का जलवा देखिए। इतना ही नहीं, अवार्ड लेने का भी काफी शौकीन है ब्रोकर विकास शर्मा। लेकिन आज हम बिलेनियर बक्स और उसके स्लोगन को खुद के नाम के साथ जोड़कर चलने वाले सबका साथ सबका विकास के मालिक विकास शर्मा के जिस चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं, वो आज फिर हर किसी को दंग कर देगा। सुनकर आप चौंक जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि ब्रोकर फर्म बिलेनियर बक्स के मालिक विकास शर्मा की आलीशान और रंगीन जिंदगी के पीछे का सच क्या है, क्या है विकास का बॉलीवुड कनेक्शन। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट टू के साथ। एक ब्रोकर का इतना जलवा देखकर वाकई हैरानी हो रही है। बॉलीवुड के हर सितारे के साथ कनेक्शन, आखिर इस रईसी के पीछे कारण है क्या? और यही वजह जानने के लिए न्यूज वन इंडिया ने बिलेनियर बक्स के मालिक विकास शर्मा को भी रडार पर लिया। तो फिर एक के बाद एक सारे के सारे पत्ते खुद ब खुद खुलते चले गए, आप ही देखिए। ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट टू का पहला टारगेट ब्रोकर फर्म बिलेनियर बक्स था। न्यूज वन इंडिया के अंडर कवर रिपोर्टर बिलेनियर बक्स के आलिशान दफ्तर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बिलेनियर बक्स के ही मुलाजिम रोहित तवर से हुई। थोड़ी सी ही चर्चा के बाद बिलेनियर बक्स का कर्मचारी रोहित तवर न्यूज वन इंडिया की एसआईटी से खुल गया और फिर बात ज्यादा कैश खपाने को लेकर हुई। क्या समझ गया हूँ सारी पिक्चर, कैश का ही हमारा सारा समझ गया मतलब। लेकिन सर इसमें ना आपको कुछ तो कैश चेक देना, 150,000 कुछ कितना। न्यूज वन इंडिया के अंडर कवर रिपोर्टर ने बात फिर पूछी, कैश कितना खप सकता है? क्या नाम है आपका? रोहित सर, रोहित तंवर।
तो रोहित भाई हम लोग ये कह रहे थे कि हमारा जो कैश फ्लो ज्यादा है तो कैश एडजस्टमेंट कितना परसेंट तक हो सकता है? सर कैश के रिगार्डिंग में अभी आपको बाकी एक बार प्रोजेक्ट और बाकी चीज कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने जितनी मेरी डिस्कशन हुई थी सर के साथ, उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ चेक दे देना ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और हमें भी, हमें बुकिंग फॉर्म में कुछ तो कोई दिक्कत दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कितना परसेंट वो जाता है? 60% के आसपास। कैश की बात पर अंडरकवर रिपोर्टर ने सर्कल रेट की बात छेड़ी, लेकिन बिलेनियर बक्स के मुलाजिम रोहित तंवर ने सर्कल रेट एडजस्टमेंट के तरीके भी बताए। सुनिए, सर्कल रेट क्या है? सर्कल रेट अराउंड 2-2.5 हज़ार के आसपास है। सर्कल रेट कमर्शियल है सर। कितना? 2-2.5। उसमें फिर ना अलग अलग चीजें होती है। 2-2.5 हज़ार ज्यादा होगा भी है? नहीं, वो उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है सर, कि कुछ ट्रांजैक्शन बोनस दिखा देते हैं, कुछ गिफ्टिंग बोनस दिखाते हैं, तो जो रेट अच्छा, वो हमारा कैसे एडजस्टमेंट करने की वजह से वो ये दिखा देते हैं कि आप मेरे दोस्त पर लेट एग्जाम्पल, बिल्कुल तो उसके एक अलग मेथड होते हैं अकॉर्डिंगली। वैसे तो 2900 रुपए का आ रहा है सर्कल रेट उस एरिया के अंदर, अगर आप नहीं अभी डिवाइड हो रहा है ना सर। सर्कल रेट पर बात आगे बढ़ती गई और बिलेनियर बक्स के कैश में डील करने के तरीके भी खुलते चले गए। इसमें ना स्पेस वाइज होगा, 3000 हो गया कंस्ट्रक्शन होती है, फिर 2000 इंटीरियर वगैरह जो आपको बाइफर्केशन दी जाती है ना वैसे दे, 3000 ही हो गया मान लो एग्जांपल के, 2000 आपको कंस्ट्रक्शन का दिखाएंगे हम कि भाई 2000 हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में, फिर 1-2 हज़ार हम किसी और चीज का दिखाएंगे। तो अगर आप इंडायरेक्टली लेके चलोगे, आपने जो कैश की पार्ट दी उसमें आप 3000 रुपए तक कम गेन कर सकते हैं, 3-3.5-4 हज़ार डिपेंड अपॉन, कोई दिक्कत ना आए। सर्कल रेट में गेम खेलने वाली बात पर अंडरकवर रिपोर्टर भी चौंक गए और आगे बात कुरेदने की कोशिश हुई। लेकिन सर्कल रेट कम हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ना तरीका कि हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में दिखा सकते हैं कि ये रॉक चाह रहे हैं, फिर हम कुछ और भी चीजें देख सकते हैं कि भाई हमारे जानकार है, हम इसको गिफ्टिंग उसमें एक चीज आ, तो वो एक फेजेस होते हैं। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर्कल रेट से भी नीचे हम जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो जैसे 3 है सर्कल रेट, तो कितना जा सकते हैं? तो 60% तो हो सकता है। न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर एजेंट के भरोसे में आने के बाद बिलेनियर बक्स के कर्मचारी रोहित तंवर अपनी असलियत पर आ गए। आप कितना करवाना चाहते हैं सर, ये बताओ मुझे, हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। हम इसके बाद जब अंडरकवर रिपोर्टर ने रोहित तंवर से बोला हम तो चाहते हैं कि 100% कैश हो जाए, तो फिर बिलेनियर बक्स का कर्मचारी थोड़ा सोच में पड़ा और फिर ऊपर बात करने की बात कहने लगा। यानी बिलेनियर बक्स का मुलाजिम रोहित तंवर श्योर था कि 100% कैश खपाने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगली मुलाकात जिस शख्स से थी और जो खुलासा बहुत जल्द होने वाला था, उसकी उम्मीद हमको भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ और सामने आया वो आपका जानना भी जरूरी है। तो बने रहिए और देखते रहिए ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2। बिलेनियर बक्स के मुलाजिम रोहित तंवर ने ऊपर बात करने की बात कही, लेकिन न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितना ऊपर, लेकिन जब वो ऊपर वाला न्यूज वन इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आया तो बहुत सारे पत्ते ही खोलता चला गया। बिलेनियर बक्स के मुलाजिम रोहित तंवर का ऊपर वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रोकर फर्म का मालिक और CMD विकास शर्मा है, जो न्यूज वन इंडिया की SIT टीम के फिलहाल सामने था। बात वही कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर आगे बढ़ती है। अंडर कवर रिपोर्टर सौदे का जिक्र करते हैं और बात ज्यादा कैश फ्लो की करते हैं, तो फिर ब्रोकर विकास शर्मा का रिएक्शन भी सुनिए। रेस्ट टू बार हम लोग बेसिकली प्लान कर रहे हैं जी, और आपने हमें सजेस्ट किया थर्ड फ्लोर है जी सर। हाँ, रेस्ट टू बार भी हुई है, थर्ड फ्लोर सजेस्ट किया है। कैश डील के जिक्र पर CMD विकास के हाव भाव बदल गए, डील में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। नजदीक खड़े मुलाजिम से अंडरकवर रिपोर्टर की डिमांड पूछने लगा। सुनिए क्या कुछ कहना है विकास के कर्मचारी का। यही है कि कैश फ्लो ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा। CMD विकास शर्मा बेहद गौर से सुन भी रहा था।
लेकिन जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने लिकर का काम बताया और कैश ज्यादा होने की बात कही तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी देखिए। बिलेनियर बक्स का मालिक विकास शर्मा बड़े गौर से अंडरकवर रिपोर्टर की बात सुनता है और रिएक्शन अच्छा का आता है और उससे आगे आप खुद सुनिए। कितना परसेंट हम लोग कर सकते हैं एक ही बार बता देना भाई साहब। अभी तो आप कितना भी कर सकते हो क्योंकि अभी 3 साल है रजिस्टर होने में। कैश डील की बात पर विकास शर्मा का बयान बेहद चौंकाने वाला था। उसका साफ साफ कहना था कि कैश डील अभी आप कितने भी कर सकते हैं और सीधा उसके बाद विकास शर्मा पेमेंट प्लान पर आ गया। सुनिए पेमेंट प्लान खुद विकास की जुबानी। आपने कौन सा पेमेंट प्लान है? 5 करोड़ का होगा ना पेमेंट प्लान? कौन सा पेमेंट प्लान सर? अंडरकवर रिपोर्टर ने उनके हिसाब की बात बोली तो फिर कैश डील के लिए कई और प्लान भी तैयार हो गए। सुनिए दोनों ही हमारे तो एक तो डाउन पेमेंट है जिसमें 95% आज देना होता है 5% पोजीशन पे, एक होता है 50% आज 25% एक साल बाद स्ट्रक्चर पे और 25% पोजीशन पे। अंडरकवर रिपोर्टर के हामी भरते ही सुनिए सीएमडी विकास शर्मा क्या बोला। मैं आप मान के चलो कि देखिए डिपेंड करता है कि हमें कैश कितना एडजस्ट कराना है, जो कैश एक बार एडजस्ट देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारा 100% हो जाए। हमारे पास तो फ्लो इतना है कि हम चाहते हैं कि 100% हो जाए, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम। इतना सोचने के बाद बिलेनियर बक्स के सीएमडी विकास शर्मा का जवाब क्या होगा? आखिर न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर को कौन सा जवाब सुनने को मिलेगा? विकास शर्मा का वो नया प्लान कौन सा है? देखिएगा जरूर हमारी अगली रिपोर्ट। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक है लेकिन लगातार उसके बाद भी ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2 जारी है। जब न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर ने बिलेनियर बक्स के मालिक विकास शर्मा से कहा कि कैश हम मैक्सिमम से मैक्सिमम खपाना चाहते हैं तो फिर 50 से 25 25 के पेमेंट मोड की बात करने वाला कैश डील के लिए कहां तक पहुंच गया, जरा यह भी सुनिए और देख भी लीजिए। काफी सोच के बाद कैलकुलेटर पर हिसाब लगाने के बाद मेज पर उंगलियां खड़खड़ाने के बाद सुनिए विकास शर्मा का कैश डील के लिए नया प्लान। सुनिए कैसे कानून की धज्जियां उड़ते हुए न्यूज वन इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुई। इसको आप क्या कर लो सर, इसको आप प्लान बना लो 75-25 का। 75% कैश एडजस्ट कर देता हूँ, 5 लाख तो दे देंगे वाइटर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कागज बनाने के लिए उतना चाहिए बस 2-4 लाख रुपए। 75% कैश एडजस्ट कर देता हूँ, जो 25% वाइट के बचे वो पोजेशन पे छोड़ देता हूँ। पोजेशन पे आपसे अगर वाइट नहीं हुआ उस टाइम तो एंट्री दे दूंगा आपको, आपने कैश देना खत्म। अंडरकवर रिपोर्टर ने अपनी तसल्ली के लिए कंफर्म करने के लिए फिर सवाल किया, 75% ब्लैक और 25% वाइट, तो एक और जवाब सुनिए विकास शर्मा का। 25% व्हाइट और 75% ब्लैक। 75% को आज ही एडजस्ट कर दूंगा ना, तो कागज 25% रह गए। 75% कैश और 25% व्हाइट की डील के बाद अंडरकवर रिपोर्टर ने एक बार फिर से सर्कल वेट पर कम करने का दबाव डाला। न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर की बात पर फिर से सोच में पड़ गया विकास शर्मा और फिर सोचने के बाद एक बार फिर से कुछ नया बोला। जो कम होता रेट, अभी तो प्रदेश में बहुत टाइम है तो रेट में गुंजाइश हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है वो थोड़ा सा ऑडी। कौन से फ्लोर पे सर? इसके ऊपर ऑडी, ये थर्ड है वो फोर्थ है, फिफ्थ है ऑडी।
प्लान ए 75-25 हमें प्लान से कोई इशू नहीं है। नहीं पेमेंट देनी पड़ेगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा आप इसको 90 और 10 भी कर लोगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूज वन इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर की 90% कैश और 10% की बात पर भी विकास शर्मा चौका नहीं बल्कि डील के लिए बिल्कुल तैयार था। सुनिए जरा। यानी 12,000 के सर्कल रेट से सीधा 11,300 और फिर जब बात आगे हुई तो 11,000 सर्कल रेट पर भी तैयार थे जनाब विकास शर्मा। यानी ब्लैक मनी के लिए सर्कल रेट से भी खिलवाड़, लेकिन ब्लैक मनी के इस खेल से भी ऊपर एक और खेल बिलेनियर बक्स का मालिक विकास शर्मा खेल रहा है। और वो खेल क्या है और कैसे खेलता है विकास शर्मा, हमारी अगली रिपोर्ट में। अब तक तो आपने सर्कल रेट और फिर ब्लैक मनी यानी कैश की डील का खेल देखा, लेकिन अभी बाकी है पर्दे के पीछे का वो खेल जो सबसे ज्यादा गैर कानूनी और साथ ही साथ वो तरीका भी खुद ब्रोकर विकास शर्मा के मुंह से सुनिएगा जिससे सरकार के राजस्व को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। 90% कैश डील की बात तय हुई तो फिर न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर ने सौदे की रकम उठाने की बात कही तो सुनिए विकास शर्मा खुफिया कैमरे पर क्या बोलते हुए कैद हुए। पेमेंट तो नोएडा में ही रहती है, जब मर्जी आप उठा लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट का कोई इशू है ही नहीं भाई। हमारे ये बताइए, हमारे कलेक्शन सेंटर है जी, जहाँ वर्कशॉप जो है वहाँ कैश रहता है, तो उसको हम उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे, तो आप वो पिक करा सकते हैं कैश? हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया उठा लेते हैं, चंडीगढ़ से कहीं से भी। कुछ समझ आया, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैश उठाने की कुव्वत रखता है बिलियनियर बक्स ग्रुप का मालिक विकास शर्मा, यानी हवाला डीलिंग में भी माहिर है जनाब विकास शर्मा। एक बार फिर से सुनिए। पेमेंट तो नोएडा में ही रहती है, जब मर्जी आप उठा लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट का कोई इशू है ही नहीं। हमारे ये बताइए, हमारे कलेक्शन सेंटर है जी, जहाँ वर्कशॉप जो है वहाँ कैश रहता है, तो उसको हम उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे, तो आप वो पिक करा सकते हैं कैश? हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया उठा लेते हैं, चंडीगढ़ से कहीं से भी। लेकिन हैरानी उस वक्त और भी हुई जब विकास शर्मा कानून तोड़ने के सारे नुस्खे न्यूज वन इंडिया से शेयर करने लगा। कैसे सरकार के राजस्व को चूना लगाना है उसकी पूरी तैयारी का खाका समझा दिया गया। अरे नहीं मालिक, वो तो अलग है, मतलब कलेक्शन पे देने। ये आपकी दुकान की कीमत है 453, ये गवर्नमेंट के चार्जेस है 2475। 6% 12% जीएसटी लगता है, आपको 1 रुपए भी नहीं लगना क्योंकि आप जरा कैश ही दे रहे हो, बात ही खत्म हो गई। आपने 453 पर 3 करोड़ भी दे दिए तो 35-36,000 बच जाएगा। सर्कल रेट में झोलझाल, ब्लैक मनी का ब्लैक गेम, हवाला कारोबार और सरकार को राजस्व का चूना, बचा क्या है? ऐशी ऐश। तो फिर क्यों नहीं बिलियनियर बक्स का मालिक बॉलीवुड कनेक्शन सेट कर आलिशान तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करे, अवार्ड हासिल करे। वाकई शौक बड़ी चीज है और उसी शौक ने ब्रोकर विकास शर्मा को इतना अपने अंदर तक समेट लिया है कि वो आम आदमी का खून चूसकर बिल्डर्स की सेहत तंदुरुस्त करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। लगातार ऑपरेशन ब्लैक मनी का पार्ट टू जारी, लेकिन रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। के पीछे
देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलता हूँ बहुत सख्त सीक्रेट ऑपरेशन के थ्रू किया, बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे नियम बदले गए हैं, पहले भी सरकारों में ऐसे होते थे। सवाल ये है ना, हम बात कर रहे हैं सिस्टम इफिशियंसी की। जब हम बात सिस्टम की करते हैं तो वहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक जो हमने बोला कि एक एरिया का जो एक इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो ऑफिसर होता है गवर्नमेंट सिस्टम में, जो सबसे लोअर लेवल पे होता है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया की स्वच्छता को, फाइनेंशियल हाइजीन को मेंटेन करे। ये इन लोगों का विजिट होना, बार बार जो है चेक करना, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारी की सारी रिपोर्टिंग जाती है, बैलेंस शीट वगैरह जाती है, उसको टैली करना। सवाल ये होता है कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि आपने जो कुछ दिया बस खत्म, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं। जहां पे भी डाउट हो सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट होता है वहां पे। इसी पॉइंट पर आएंगे, और इसी पर चर्चा हम करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2 लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक।